pardon. Yes. Let me ask the second speaker of the day, Sandeep Kumar Verma. Sandeep will be introduced by Devrata. Good morning, Titans. Good morning. I'm going to introduce our second speaker, Mr. Sandeep Verma. His business name is Acres and Inches Private Limited. He's a real estate residential professional located in Noida. He started his business in 2013. He has 8 years of experience in the pharma sector and has worked with LIC HFL. He has done his post-graduation from Kanpur University and diploma in management from Pune University. His family information, he's engaged with Mrs. Sonam Verma. She's a postgraduate and a BTC teacher in Dadri. He has a daughter of 5-year-old, studies in KBS Delhi Camp. His hobbies are reading books, cooking, playing cricket and dancing. Didn't know about that, Sandeep. Activities of interest, meeting new people, traveling and learning new things. He's from Kanpur, UP and is currently living in Delhi. His burning desire is to travel the world and be successful in his business. Something no one knows about him is that he hides nothing. And key to success is honest and smart working. Over to you, Sandeep, please. Thank you so much. Thank you, Dupo. Good morning, BNI. Good morning. Myself, Sandeep, and my company is Acres and Inches Private Limited and located in Noida Sector 3. And my company, vision and mission, and honest organization, and customer satisfaction, and team ANI, and global presence. And business, truth selling, economic deal, a satisfy customers. मतलब बात करें अगर मैं अपनी कंपनी की तो इकोनॉमी की डील्स का मीन्स कि हमारे पास सबके लिए डील्स है सबके लिए डील्स की मतलब कोई भी परचेज सबका अपना एक ड्रीम होम होता है कि मेरा अपना घर होना चाहिए तो हमारे लिए हमारे पास सबके लिए डील्स है इवन 6 लाख से भी स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास सो इकोनॉमी की डील्स मीन्स ये एंड सेटिस्फाइड कस्टमर मेरी कंपनी के जो टैग लाइन है उसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है ब्रिंगिंग क्लियरिटी इन टू रियल इस्टेट माइलस्टोन की बात करें कंपनी स्टार्टेड इन 7th मई 2013 एंड 5000 स्क्वायर फीट से हमने ऑफिस स्टार्ट किया था देन करेंटली 1700 अब ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग और 2018 में हमें नॉर्थ इंडिया का बेस्ट ब्रोकर अवार्ड भी मिला है यस Awarded the best corporate broker companies North India. Yes. Company is RERA registered. I think आज सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं तो अभी real estate के नाम से हम सब लोग बहुत डरते हैं कि नहीं यार time की delivered नहीं होते हैं तुम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो But आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स नियर डियर होंगे सबके पास मैं समझ रहा हूँ सबके पास इश्यूज होंगे किसी का फ्रेंड्स होंगे वो उन्होंने 2010 में बुक किया बट आज तक उनको उनका घर नहीं मिला वो घर कितनी मुश्किलों से बनता है हम सब अच्छी तरह से वेल नोन है तो अगर मैं बात करूँ 2016 से आफ्टर की तो उससे पहले क्या था कि इस इंडस्ट्री में इस सेक्टर में कोई भी रेगुलर बॉडी नहीं थी रेगुलर बॉडी का मीन्स बिल्डर जैसा चाहता था वैसे करता था जब मर्जी आया अपने हिसाब से वो डिजाइन करते थे अपने हिसाब से बनाते थे बट रेरा आने के बाद रेरा जो आया है 1 मई 2016 में आया है उसके बाद से आज की डेट में हमारे जितने भी नियर डियर हैं वो बहुत सेफ है अभी हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं आप सब में देख लिए हर जगह कोई ना कोई रेगुलर बॉडी ऑलरेडी है LIC की बात करें IRDA है डिपल मैम है डिपल मैम की इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो पहले LIC नहीं बनी पहले रेगुलर बॉडी बनी देन LIC मधु सर है म्यूचुअल फंड से हैं इसमें सेबी है ऑलरेडी सेबी के अंदर ही सारा कुछ होता है लाइक हमारा FMCG में आ जाइए राधु मैम का गोल्ड का काम है लेकिन इसमें एक ट्रेडमार्क का है होल मार्क का लगा है तो देन सेटिस्फाई है हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं दिस इज ओके
सेम वैसा ही रेरा आने के बाद आज आपका नियर डियर इन्वेस्टर जो भी है वो बहुत सेफ है. मीन्स 2016 से बाद की बात करें, सबसे पहले रियल एस्टेट अथॉरिटी आ गई जो रेरा, हर एक पर्सन यानी जो भी कंपनी है वो पहले रेरा रजिस्टर्ड होगी. रेरा रजिस्टर्ड होने में उसको 2.5 लाख रुपीज देने पड़ते हैं. इवन जो इसको बेचते भी हैं, आई थिंक हमारे अभिषेक सर हैं ऑलरेडी रियल एस्टेट में ही है कमर्शियल में. अभी क्या है कि हर एक बंदे को अपना अपना लाइसेंस लेने पड़ते हैं. मृदुला मैम डिम्पल मैम के पास ऑलरेडी है, सर के पास अपना आईडी है, सेम वैसे ही यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है. मैंने अपना भी रजिस्टर कराया है. 25,000 रुपीज मुझे अपने लगे, मेरी कंपनी को 2.5 लाख रुपीज लगे, वो भी ओनली 5 ईयर्स के. अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं आज की डेट में हर एक स्टेट का अलग है. जैसे कि LIC में है तो मैम ने अपनी एजेंसी ले ली, बट वो हर जगह यूज कर सकती है उसको. बट यहाँ पे अगर मैंने अपना लाइसेंस लिया तो ओनली मैं यूपी में ही कर सकता हूँ. मैं दिल्ली में आया, दिल्ली के लिए मुझे अलग रेरा लेना पड़ेगा, हरियाणा के लिए अलग रेरा लेना पड़ेगा. तो सेम अभी क्या है कि एक तो रियल एस्टेट अथॉरिटी आ गई, दूसरा एस्क्रो अकाउंट. पहले बिल्डर जितने भी होते थे वो अपने पैसे को जहां मर्जी आए वहां यूज करते हैं, लेकिन 1 मई 2016 के बाद में कोई भी बिल्डर अपनी मनी का 70% पैसा इस एस्क्रो अकाउंट में रखता है. जितने भी हमारे CA पर्सन बैठे हैं ऑलरेडी जानते हैं एस्क्रो अकाउंट. तो अब आपका नियर डियर जो भी वो बहुत सेफ हो गया, पहली चीज. थर्ड आ जाता है इक्वल पेनल्टी बोथ साइड. कस्टमर्स की हमने घर बुक किया, हमने देखा कि घर बना नहीं है तो मैं पेमेंट क्यों करूं. सबके माइंड में यही आता है यार, आपने कहा था 2 साल बाद दे दोगे, 4 साल बाद दे दोगे, बट वहां पर कुछ बना नहीं है. बट हमने पेमेंट नहीं करी, बिल्डर हमसे चार्ज करता था 18% या 24%, और हम उसने 5 साल बाद 7 साल बाद बना के डिलीवर कर दिया तो हमें जो पेनल्टी देता था 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट. आई एम राइट. बट रेरा आने के बाद दोनों बोथ साइड, अगर आप मुझसे 18% चार्ज कर रहे हो तो मैं भी 18% लेने के लिए हकदार बनता हूँ. तो अब हम और हमारे नियर डियर जितने भी हैं बहुत ज्यादा सेफ हो गए. ऑप्शंस रेजिडेंशियल्स में आ जाते हैं, हमारे पास विलास भी हैं, पेंट हाउस है, विला डिप्लेक्स एंड अपार्टमेंट एंड क्रॉस. सम लोकेशंस ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड ग्रेटर नोएडा एंड वृंदावन. सम पिक्चर्स डिलीवर्ड प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एंड रेडी टू मूव प्रोजेक्ट. सम प्रॉपर्टीज एंड प्राइस रेंज, गोदरेज प्रॉपर्टी नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा लोकेटेड, प्रोजेक्ट्स नेम, ऑप्शंस एंड प्राइस रेंज. ATS नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, एस ग्रुप नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, सन सिटी वृंदावन प्लॉट्स अवेलेबल, एंड सिरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स राजहंस पार्कवे, SG ग्रांड, केलो काउंट्री, मायवुड्स, महागुण, एस्टेलर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक्सेट्रा एंड मेनी मोर. थैंक यू once again, Sandeep Kumar.